मोनेटाइजेशन इन जस्ट वन मंथ। हाँ तुमने सही सुना है, मैंने बस एक महीने में अपना ये चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज कर लिया। जहाँ काफी सारे क्रिएटर्स एक महीने में 500 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वहीं मैंने 5000 से भी ज्यादा कर लिए। और सब्सक्राइबर्स ही नहीं, मैंने 4000 वॉच आवर के साथ साथ अपनी थर्ड वीडियो ही वायरल कर दी, जिसपे अभी के टाइम पे अराउंड 1,00,000 से भी ज्यादा व्यूज है। इस वीडियो में मैं वो सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगा जिसको यूज करके मैंने ये सब एक महीने में अचीव किया है। लेकिन उससे पहले ये जान लो मैंने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया। जब मैं अपने गेमिंग चैनल पे काम कर रहा था तो उसके साथ साथ मैंने यूट्यूब के बारे में सीखना भी स्टार्ट किया, लाइक एक चैनल को ग्रो कैसे करते हैं, सब्सक्राइबर गेन कैसे करते हैं एक्सेट्रा। लेकिन कुछ फेक यूट्यूब गुरुओं की वजह से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से सब कुछ सीखूंगा, लाइक एक चैनल को प्रॉपर ग्रो कैसे करते हैं। अराउंड एक साल में 3 से ज्यादा चैनल ग्रो करने के बाद मुझे पता चल चुका है एक्चुअली यूट्यूब पे चीजें कैसे काम करती हैं। और उन्हीं सीक्रेट्स का यूज करके मैंने अपना ये चैनल 5 वीडियो से ही ग्रो कर दिया। मैं एक महीने में ये सब इसीलिए अचीव कर पाया क्योंकि मुझे मेरी टारगेट ऑडियंस 1 वीक के अंदर ही मिल गई थी। सो हाउ आई फाइंड माई टारगेट ऑडियंस इन जस्ट 1 वीक, उसके लिए तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि मैंने अपनी पहली वीडियो डिकोडिंग YT पे क्यों बनाई। द रीजन इज स्टार्टिंग में यूट्यूब को पता नहीं होता है कि तुम्हारे चैनल की टारगेट ऑडियंस कौन है, इसीलिए यूट्यूब तुम्हारी वीडियो किसी को भी भेजने लगता है। लाइक तुम्हारा चैनल गेमिंग से रिलेटेड है लेकिन हो सकता है यूट्यूब तुम्हारी वीडियोस को गेमर्स को भेजे ही ना, इससे तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। लाइक तुम्हारी वीडियो यूट्यूब अगर गेमर्स को भेजेगा ही नहीं तो स्टार्टिंग में तुम्हारी वीडियो का CTR डाउन हो जाएगा और CTR डाउन होने की वजह से यूट्यूब तुम्हारी वीडियो का इम्प्रेशन भी स्टॉप कर सकता है और तो और यूट्यूब तुम्हारी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करने में टाइम भी लगा सकता है। ये चीज मेरे साथ ना हो इसीलिए मैंने अपनी पहली वीडियो ही डिकोडिंग YT पे बनाई, ताकि यूट्यूब को स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है और मेरी वीडियोस को किसको भेजना है उसे। लेकिन सिर्फ डिकोडिंग YT पे वीडियो बनाने से मेरा काम नहीं होने वाला था, बिकॉज मान लो मेरी वीडियो टारगेट ऑडियंस के जस्ट सामने हो और वो उस पे क्लिक ही ना करें, तो यहीं पे आता है थंबनेल का इम्पोर्टेंस। मान लो मैंने बेस्ट वीडियो बनाई हो डिकोडिंग YT के ऊपर लेकिन थंबनेल में डिकोडिंग YT हो ही ना, तो क्या मेरी टारगेट ऑडियंस जो डिकोडिंग YT के पास है वो उस पे क्लिक करेगी? नहीं। तो कैसे मैंने एक थंबनेल बनाया जो मुझे इतना ज्यादा CTR दे रहा था, इनफैक्ट कभी कभी इस वीडियो का CTR अराउंड 30+ हो जा रहा था। लेकिन सिर्फ थंबनेल की वजह से मेरा CTR इतना हाई नहीं था, यहाँ पे रोल टाइटल का भी उतना ही था जितना थंबनेल का था। सीरियसली बताऊं मुझे अराउंड 5-6 बार टाइटल चेंज करने पड़े इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। लेकिन डिकोडिंग YT पे वीडियो बनाने से मुझे बस व्यूज मिलते, सब्सक्राइबर्स नहीं, राइट? तो अब बारी थी व्यूअर्स को सब्सक्राइबर्स में कन्वर्ट करने की। उसके लिए मैंने यूज किया ये 3 स्टेप्स, लास्ट वाला तुम भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट, हर चीज को प्रैक्टिकली समझाना। लाइक मेरी नीच के सारे क्रिएटर्स बस बता रहे थे एक चैनल को ग्रो कैसे करते हैं लेकिन कोई करके नहीं दिखा रहा था। सेकेंड, वीडियो को इजी लैंग्वेज में बनाना, मतलब कि जिस लैंग्वेज में मेरी ऑडियंस चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सके। थर्ड, हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि व्यूअर्स सेटिस्फाई हो सके। और ट्राई किया सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूं ताकि लोग मुझसे कनेक्ट कर पाए, बिकॉज तुम जितना लोगों से कनेक्ट करोगे उतना लोग तुम्हें अपने से रिलेट कर पाएंगे। इससे एक टाइप का ट्रस्ट बिल्ड हुआ लोगों को मुझ पे कि जब भी TubeXP की वीडियो आएगी तो वो एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड तो करेगा ही, साथ ही साथ हर चीज को क्लियर भी करेगा एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन ये सब करने के बाद भी शायद ही मैं इतनी जल्दी ग्रो कर पाता अगर मुझे मेरी नीच की नॉलेज ही नहीं होती तो। लाइक मान लो मैं एक आर्ट का टीचर हूँ और मुझे आर्ट बनानी आती ही नहीं, तो क्या मैं उन बच्चों को आर्ट बनाना सिखा पाऊंगा? ऑब्वियसली नहीं। सेम ऐसे ही अगर मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस ना होता कि यूट्यूब पे चीजें कैसे काम करती हैं, तो क्या मैं याला चैनल ग्रो कर पाता? ऑब्वियसली नहीं। लाइक इसे ऐसे समझो, जिस दिन भी तुम किसी भी चीज की एक बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हो उस दिन तुम बहुत सारे लोगों से ऊपर आ जाते हो। और कुछ यही हुआ मेरे साथ भी, मेरे कॉम्पिटिटर बहुत सारे थे, जहां मैं 0 से स्टार्ट कर रहा था वहीं उनके उस टाइम पे थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स थे, तो कैसे मैंने अपनी थर्ड वीडियो से ही उन सबको बीट कर दिया जिसपे अराउंड अभी के टाइम 1,00,000+ व्यूज है। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, इस वीडियो का CTR इतना हाई ना होता तो कभी उस वीडियोस पे व्यूज आते ही ना। तो अगर तुम्हें ये जानना है कि एक हाई CTR वाला थंबनेल कैसे बनाते हैं तो कमेंट्स में वी वॉन्ट लिख दो। बैक टू पॉइंट, जहाँ वो लोग बस चीजों को थियोरेटिकली बता रहे थे, मैंने यूज किया अपने ओल्ड चैनल को और हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाई और वही हुआ जो मैं चाहता था। लोगों को बहुत कम टाइम में ये पता चल गया मैं कोई न्यू यूट्यूबर नहीं हूँ और वो मुझ पे ट्रस्ट करने लगे। और सिर्फ 10 दिन में ही अराउंड 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे मैंने और 5 वीडियो से ही मेरा 4000 वॉच आवर भी कंप्लीट हो चुका था। मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज ये थी कि मेरा एडसेंस अकाउंट और मोनेटाइजेशन रिव्यू अप्रूव होने में बस 1 से आधा ही दिन लगा। और तुम इस पे क्लिक करके ये जान सकते हो कैसे मैंने सिर्फ 10 दिन काम करके 4000 वॉच आवर कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर